प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें कानपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रधानमंत्री का संवाद सुना। अब कानपुर रेलवे स्टेशन भी देश के उच्च श्रेणी के रेलवे स्टेशनों की सूची में शुमार हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके इन सभी रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। अब ये स्टेशन देश के उच्च श्रेणी के रेलवे स्टेशनों की सूची में कानपुर सेंट्रल हो जाएंगी। इसी क्रम में कानपुर में भी वर्चुअल माध्यम से कानपुर सेंट्रल सिटी साइट रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम देखा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश राणा ने बताया कि आज जिस प्रकार से हिंदुस्तान विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में भारत के प्रति जनमानस का विश्वास बढ़ा है। आज रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास का यह जो शिलान्यास किया गया है, यह भी विकास के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज है न्यूज 24 कानपुर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।